हेलो एवरीवन, सो आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ये सेकंड क्लास है, इससे पहले एक और क्लास हुई है। हालांकि ये मैराथन क्लास जो हुई है उनसे पहले भी टोटल 10 और मैराथन क्लासेस हुई थी, जिसमें टोटल 500 क्वेश्चंस को कंप्लीट कराया गया था सोशियोलॉजी के। अभी आने वाले दिनों में भी 10 मैराथन क्लासेस और होनी हैं, जिसमें टोटल 500 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो इन सभी के जो क्वेश्चंस हो जाएंगे टोटल, यानी कि जो मैराथन क्लासेस के जो क्वेश्चंस होंगे 1000 जो क्वेश्चंस होंगे उनकी मैराथन क्लास होगी। ठीक है, तो आप लोगों का पेपर के टाइम में रिवीजन भी हो जाएगा। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, JRF, PGT, GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है? सामाजिक नियंत्रण को समाजीकरण की प्रक्रिया का विस्तार इनमें से किसने कहा है? ऑप्शंस दिए गए हैं ग्रीन, गिटलर, फिचर, कूले। ग्रीन, गिटलर, फिचर, कूले ऑप्शंस हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक नियंत्रण को समाजीकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार किसने कहा है? देखिए, समाजीकरण ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में वीडियो का आपको फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप अपना इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर सकते हैं सोशलाइजेशन का, ठीक है। अब यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें सबसे पहले समाजीकरण की, कि समाजीकरण की सबसे पहले बात किसने की है, तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं जिन्होंने सबसे पहले सोशलाइजेशन की बात की थी, ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। अब सोशलाइजेशन कैसा प्रोसेस है, समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? पहले तो ये जीवन प्रयत्न चलती है, पूरे जीवन भर ये चलती रहती है। समाजीकरण क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है, हम सीखते हैं, जिसमें कि हम सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, मानदंडों को हम सीखते हैं, अपने में आत्मसात करते हैं। चूंकि ये पूरे जीवन भर चलती है, इस वजह से इसमें निरंतरता पाई जाती है, गतिशीलता होती है, यह एक चेतन प्रक्रिया है। अगर हम एक क्वेश्चन बनता है विशेषताओं से, तो बनता ही बनता है। आपने अभी विशेषताएँ जैसे कि सुनी, देखी, आपको जो बताई गई। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि किस अवस्था में समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो महत्वपूर्ण होती है, तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था, ये याद रखिएगा, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर फिचर होगा, और जो मीड हैं, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, उन्होंने सबसे पहले समाजीकरण की बात की थी। और समाजीकरण को वो क्या कहते हैं, जब व्यक्ति का जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है, जो सेल्फ है, स्व का विकास है, उसको ही वे समाजीकरण कहते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट को ही वे सोशलाइजेशन बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिचर हो जाएगा। कूले ने जैसे कि आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया था, फ्राइड का इड ईगो सुपर ईगो का सोशलाइजेशन से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पर इन सब बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। रीडिंग कैपिटल, अब ये बुक किसकी है, रीडिंग कैपिटल। देखिए, इंपॉर्टेंट जो सोशियोलॉजी की बुक्स हैं इनको पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर चेक करिएगा। और बुक्स काफ़ी हैं, तो उन सभी को एक साथ बैठेंगे याद करने में तो आप लोगों को दिक्कत होगी, परेशानी होगी, ठीक है, आप लोग कन्फ्यूज भी होंगे और याद भी नहीं होगी। तो आप लोगों को डेली क्या करना है, 5-5, 6-6 करके आपको बुक्स याद करनी है, ठीक है। और उनका सबसे न केवल याद करनी है, बल्कि समय समय पर आपको रिवीजन भी करना है सबका। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप पढ़ते चले जा रहे हैं और सब पीछे का आप भूलते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब चूंकि समय कम है तो समय का यूज करें, ठीक है, रिवीजन भी जरूरी है। तो यहां पर रीडिंग कैपिटल किसकी है बुक, कार्ल मार्क्स, वॉलेस्टीन, लुइस अल्थ्यूजर, एंथनी गिडेंस, ऑप्शन दिए गए हैं। एंड जो भी बुक्स बताई गई हैं वे आपके सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बुक्स वहाँ पर बताई गई थी क्लास में।
ठीक है, तो वो सभी आपको क्या करनी है, उन सभी बुक्स को आपको याद करना है। फिलहाल यहाँ पर रीडिंग कैपिटल बुक की अगर हम बात करें तो ये अल्थ्यूज़र की है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अल्थ्यूज़र जो कि नव मार्क्सवादी में आते हैं, मार्क्स के आलोचक हैं, ठीक है, ठीके? आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है कि जो लियो अल्थ्यूज़र है ये क्या है, नव मार्क्सवादी चिंतक है और ये मार्क्स के आलोचक है। इन्होंने आलोचना भी की थी मार्क्स की, जैसे कि कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले अधोसंरचना और अधिसंरचना की बात की थी। आप लोगों को सब पढ़ाया गया है पूरा, कार्ल मार्क्स उनकी जो थियोरीज हैं वो कम्प्लीट कराई गई, उसका फोल्डर भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इनकी जो थियोरीज हैं उसको कम्प्लीट कराया गया है, इनके जो महत्वपूर्ण कथन हैं एक क्लास उस पर ली गई थी उसमें भी कराया गया था, जो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जैसे कि धर्म जनता के लिए अफीम है, दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ और भी जो भी हैं, और फिर इसके अलावा इनके जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको कंप्लीट कराया गया था, ठीक है, तो उसे ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। तो जैसे कि कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो अधोसंरचना है वो अधिसंरचना को निर्धारित करती है, ठीक है, इन्होंने कहा था ना कार्ल मार्क्स ने कि अधोसंरचना अधिसंरचना को निर्धारित करती है। तो अल्थ्यूज़र ने इस बात की आलोचना की और ये कहा कि यह कहना गलत है, या हम ये नहीं कह सकते कि जो अधोसंरचना है वो अधिसंरचना को क्या करती है, निर्धारित करती है। इनका अल्थ्यूज़र का ये कहना था कि जो अधोसंरचना है और जो अधिसंरचना है वो काफ़ी जटिल प्रघटना है, ठीक है, जटिल प्रघटना है और यह निर्धारित करना कठिन है कि जो अधोसंरचना है वो अधिसंरचना को निर्धारित करती है, यानी कि उत्पादन प्रक्रिया उत्पादन संबंधों को निर्धारित करती है, या फिर हम ये कहें कि उत्पादन के जो संबंध हैं वे उत्पादन प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं। दोनों को ही, यानी कि अधोसंरचना और अधिसंरचना, जिसे हम ऐसे भी कह सकते हैं उत्पादन प्रक्रिया और उत्पादन के संबंध, ये जटिल प्रघटना है, जटिल प्रक्रिया है, ये इनका कहना था अल्थ्यूज़र का, कार्ल मार्क्स के, कि अधोसंरचना अधिसंरचना को निर्धारित करती है, इस बात की इन्होंने आलोचना की थी। और जो कार्ल मार्क्स हैं उनको आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है, वर्ग की क्लास की जो उन्होंने परिभाषा दी थी वो अर्थ के आधार पर ही दी थी, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समन्वित समायोजन व उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन की बात किसने की है, दो तरह के समायोजन की यहाँ पर देखिए बात हो रही है। यह प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किसने समायोजन के दो प्रकार, एक तो समन्वित समायोजन और दूसरा उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन की बात की। ऑप्शंस दिए गए हैं मैकेवर, ग्रीन, रॉबर्ट पार्क, गिलिन एंड गिलिन। मैकेवर, ग्रीन, रॉबर्ट पार्क, गिलिन एंड गिलिन ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, थर्ड का, थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पर राइट क्या होगा, समन्वित समायोजन और उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन की बात किसने की है। देखिए समायोजन किसके अंतर्गत आएगा, अब ये क्वेश्चन कहाँ से बना, सोशल प्रोसेस से बना है, सोशल प्रोसेस जो कि आपके सिलेबस में है, सामाजिक प्रक्रिया। देखिए गिलिन एंड गिलिन ने, यह यहाँ पर दिया हुआ है, गिलिन एंड गिलिन, इन्होंने सोशल प्रोसेस के कितने बताए थे, थ्री टाइप्स बताए थे, तीन प्रकार बताए थे सामाजिक प्रक्रिया के, एक तो समान सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा क्या हो जाएगा, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, और तीसरा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। सहयोगी की जगह पर संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया भी पूछा जा सकता है, और असहयोगी की जगह असहयोगी की जगह विघटनात्मक, ठीक है, या असंगठनात्मक प्रक्रिया, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो कन्फ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो इन तीन प्रक्रियाओं के बाद गिलिन एंड गिलिन ने की थी, जो असहयोगी सामाजिककरण की जो प्रक्रिया है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, विरोध आ जाएगा, है ना, प्रतिकूलता, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, ये सभी आ जाएंगे। तो जो समायोजन है, ठीक है, इसके दो प्रकार किसने बताए थे, गिलिन एंड गिलिन ने ही बताए थे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और समनर, जो समनर हैं जिनकी बुक का नाम फोक वेज है, इन्होंने क्या कहा था कि जो समायोजन है वह विरोधपूर्ण सहयोग है। समायोजन को विरोधपूर्ण सहयोग कहने वाले कौन हैं, समनर हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत के कुर्गों के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की व्याख्या में एम एन श्रीनिवास ने किन अवधारणाओं को विकसित किया है, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण एवं संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण एवं संस्कृतिकरण, या फिर औद्योगिकीकरण एवं संस्कृतिकरण,
क्या होगा यहाँ पर सही, सही क्या होगा यहाँ पर, सही क्या होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, अवधारणा होगी पश्चिमीकरण एवं संस्कृतिकरण, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब एम एन श्रीनिवास की जो अवधारणाएं हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, अगर उन अवधारणाओं की हम बात करें तो जैसे कि सबसे पहले तो संस्कृतिकरण की अवधारणा जिस पर क्लास ली गई है, फिर सेकेंड पहले हो गई संस्कृतिकरण, दूसरे नंबर पर डोमिनेंट कास्ट यानी प्रभुत्व जाति या प्रभावी जाति या प्रभु जाति जिसे हम कहते हैं, ये हो गई। इन दोनों पर ही क्लास ली गई है और इन दोनों से ही एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको फोल्डर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एम एन श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से, दोनों की अलग अलग क्लासेस ली गई थी, उन्हें ज़रूर देखिएगा। देख लीजिए आप लोगों को जितना भी कहा जाता है, जिन वीडियोज़ को देखने को बोला जाता है, उन्हें ज़रूर देख लिया करिए, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। ठीक है, सोशियोलॉजी का यहां पर इस चैनल पर जितना भी अगर पढ़ाया गया है अभी तक, अगर आप वे सब देख लेते हैं, ठीक है, उनका रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं, तो आपका एग्जाम 100% अच्छा होने वाला है सब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों कॉन्सेप्ट को आपको प्लेलिस्ट में जाकर के देखना है अगर आपने नहीं देखा है तो। और फिलहाल इसके अलावा और जो अवधारणाएं हैं, पश्चिमीकरण की है, आधुनिकीकरण की है, धर्मनिरपेक्षीकरण की है, फैलाव की है, ये सारी अवधारणाएं एम एन श्रीनिवास ने दी है। इनकी बुक्स भी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए बुक्स भी देख लेते हैं, जैसे कि मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर है। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है संस्कृतिकरण की जो अवधारणा दी थी उन्होंने अपनी किस बुक में दी थी, ठीक है, किस बुक में उन्होंने दिया है। अब इसके अलावा अगर हम बुक्स की बात करें तो मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर एक बुक हो जाती है, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। फिर सेकेंड नंबर पर आती है इंडियाज विलेजेस, ठीक है, इंडियाज विलेजेस। फिर आती है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट एंड मॉडर्न इंडिया। फिर नेक्स्ट बुक है इंडिया सोशल स्ट्रक्चर, इंडिया सोशल स्ट्रक्चर। फिर आती है एक बुक द रिमेंबर्ड विलेज, द रिमेंबर्ड विलेज। फिर द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज, ठीक है, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज। फिर आ जाएगी विलेज कास्ट जेंडर एंड मैथड, विलेज कास्ट जेंडर एंड मैथड। देखिए कई जगह आपको जैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है मैरिज या फिर फैमिली या फिर विलेज से रिलेटेड, मैचिंग में देखने को मिलेगा विलेज से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं किन समाज शास्त्रियों की है ना, मैचिंग में देखने को मिलता है, तो वहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किसकी है ये बुक। तो आप लोगों को इसलिए कहा जा रहा है रिविज़न ज़रूरी है, ठीक है, डेली आप लोग थोड़ी थोड़ी करके बुक्स याद करिए और उन्हें रिवाइज ज़रूर करिए, नोट्स बनाइए, जितना भी आपको बताया जाता है, जितने क्वेश्चंस आपको नए मिलते हैं उन्हें नोट करिए, जो आपको फैक्ट्स बताए जाते हैं उन सभी के नोट्स बनाइए, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स के टाइम में इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं रिविज़न के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं, किस अध्ययन में भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन अच्छा है, किस अध्ययन में, इनमें से किस बुक में भारतीय जो परिप्रेक्ष्य है इसमें जो रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की जो अवधारणा दी गई थी उसका परीक्षण किया गया है, इनमें से कौन से बुक में, कास्ट क्लास एंड पावर, द रिमेंबर्ड विलेज एंड इंडियन विलेज, या फिर आ राजस्थान विलेज, बताइए। अगर आप ध्यान से सुनते हैं मेरी बातें तो आपको ये पता होगा, इससे पहले आपकी जो क्लासेस हुई हैं यूपी पीजीटी के जो प्रैक्टिस सेट हुए थे उधर, उसमें भी बताया गया था रॉबर्ट रेडफील्ड का ये जो कॉन्सेप्ट है उसका परीक्षण किया गया था भारतीय परिप्रेक्ष्य में, किसने किया था, अपनी किस पुस्तक में, इस तरीके से बताया गया था। लिटिल कम्युनिटी का एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, भारतीय जो गांव हैं उनको लघु समुदाय बताया था, लघु समुदाय की विशेषताएं क्या थी, चार विशेषताएं थी, लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, जहाँ भी ये चार विशेषताएं पाई जाएंगी उनको लिटिल कम्युनिटी कहा था रॉबर्ट रेडफील्ड ने। देखिए यहाँ पर क्या होगा, राजस्थान विलेज होगा, राजस्थान विलेज होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अब ये बुक किसकी है, डॉक्टर ब्रजराज चौहान की है, बी आर चौहान, ब्रजराज चौहान इनका पूरा नाम है, इनकी ये बुक है।
ठीक है। अब इन्होंने अध्ययन किया था भारतीय समाज में, और भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में इनका ये कहना था कि जो रॉबर्ट रेडफील्ड ने लिटिल कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट दिया था, जो विशेषताएं बताई थी चार, उनमें से दो विशेषताएं इन्होंने भारतीय जो गांव हैं उनमें नहीं पाई। कौन कौन सी विशेषताएँ उन्हें नहीं मिली थी? एक तो समरूपता की, और दूसरा क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भरता की। ठीक है, समरूपता और आत्मनिर्भरता की जो लघु समुदाय की जो विशेषताएँ थी वो इन्हें भारतीय गांव में नहीं मिली। और इन्हों इनका कहना था कि उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो भारतीय गांव है वो लघु समुदाय का स्वरूप नहीं है। ठीक है, तो अब ये भूलिएगा मत, राजस्थान विलेज है डॉक्टर ब्रजराज चौहान की। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इंग्लैंड में श्वेत वसन अपराध का अध्ययन किसने किया? व्हाइट कॉलर क्राइम की बात हो रही है, इंग्लैंड में किसने स्टडी की है? ऑप्शंस दिए गए हैं सदरलैंड, डब्ल्यू जी कॉर्सन, ई एम लेमोर, डेविड माटजा। बताइए किसका अध्ययन रहा है? सही यहां पर हो जाएगा सदरलैंड, सही हो जाएगा सदरलैंड हो जाएगा। और इनका ये स्टेटमेंट है कि अपराधी बनाए जाते हैं, जन्मजात नहीं होते या पैदा नहीं होते। जैसे कि अपराधी जन्मजात होते हैं, लोम्ब्रोसो का कहना था। इन्होंने क्या कहा सदरलैंड ने, अपराधी बनाए जाते हैं समाज के द्वारा, पैदा नहीं होते। इन्होंने अपराधियों का भी क्लासिफिकेशन किया था दो तरीके से, ठीक है, अपराधियों का किया था। एक तो निम्न वर्गीय अपराधी की बात की थी, और दूसरा सफ़ेद पोश या फिर श्वेत वसन अपराधी वाले। ठीक है, तो ये दो जो क्लासिफिकेशन था अपराधियों का वो सदरलैंड ने किया था। इनकी अगर हम बुक्स की बात कर ले तो एक तो वाइट कॉलर क्राइम तो खुद है ही, इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बुक हो जाएगी सदरलैंड की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोलिंस का संघर्ष सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित है मैक्स वेबर एवं इमाइल दुर्खीम से, घटना विज्ञान एवं नृजातीय पद्धति विज्ञान से, कार्ल मार्क्स एंड डेहरेंड्रॉफ से, प्रकारवाद एवं नव प्रकारवाद से। कोलिंस ने जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी थी वो किससे प्रभावित है इनमें से? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही होगा मैक्स वेबर और इमाइल दुर्खीम। मैक्स वेबर और इमाइल दुर्खीम होगा ऑप्शन ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांस का पहला शैक्षणिक समाजशास्त्री किसे कहा जाता है? हर्बर्ट गुरिये, कार्ल मार्क्स, सी एच कूले, इमाइल दुर्खीम। जी एस गुरिये, बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? सही क्या होगा, फ्रांस का पहला शैक्षणिक समाजशास्त्री किसे कहा जाता है? इमाइल दुर्खीम को। इमाइल दुर्खीम ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुर्खीम का एक स्टेटमेंट कि समाज ही वास्तविक देवता है, समाज में सभी वस्तुओं को ये दो भागों में विभाजित करते, पवित्र और साधारण, याद आ रहा है आपको? इनकी जो अवधारणाओं की बात करें तो समाज में श्रम विभाजन की बात की, सोशल फैक्ट सामाजिक तथ्य की अवधारणा इन्होंने दी थी, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी थी, आत्महत्या की अवधारणा सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, चार प्रकार बताए थे आत्महत्या के, जादू सॉरी जो धर्म की बात थी, धर्म का इन्होंने सामाजिक जो सिद्धांत दिया था धर्म की उत्पत्ति का, वो धर्म से पहले जो सिद्धांत रहे हैं जैसे कि प्रकृतिवाद का हो जाएगा, जीववाद का हो जाएगा, इन सभी की आलोचना करके उन्होंने धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया था। और ये कहा था कि धर्म के का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो टोटेमवाद रहा है। ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा था, है ना, ये सब बातें आप लोगों को बताई गई हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा है कि यह संस्कृति की ही प्रकृति है कि उसमें परिवर्तन होता है? क्वेश्चन अच्छा है, यह संस्कृति की ही प्रकृति है कि
कि उसमें परिवर्तन होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं मेलानोवस की, मैकेवर एंड पेज, डॉसन, ऑगबन एंड निमकॉफ। देखिए आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट याद नहीं हो रहा, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है जिस भी चीज़ में, आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं उन्हें 2-3 बार देखनी है, ठीक है, देखनी है। और यहाँ पर जो भी अभी क्लासेस इस टाइम कर रहे हैं, आप लोगों में से कितने हैं कि इस क्लास को देखने के बाद वो फिर से देखते हैं? देखिए आपका समय बच सकता है अगर आप यहाँ पर चैट ना करके, ठीक है, जो आप लोग आपस में बात करने लगते हैं। अभी अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, तो जिनका भी एग्ज़ाम है वो ये सब बंद करें, चुपचाप सीरियसली क्वेश्चन जो आप लोगों को यहाँ पर अभी कराया जा रहा है उसका आंसर आता है तो दे दीजिए, नहीं आता है तो आपके अनुसार जो होगा वो बताइए, बस इसके अलावा कुछ नहीं आपको बात करनी है, इंपॉर्टेंट है तो फिर आप वो कर सकते हैं। मतलब फिर ये क्या होगा, आप यहाँ पर तो अभी एक समय में देख रहे हैं, फिर आपको जो है समझ में नहीं आएगा, फिर आप दोबारा देखेंगे तो आपको 2-2 बार टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये संस्कृति की ही प्रकृति है कि उसमें परिवर्तन होता है, किसका कहना है, ऑगबन एंड निमकॉफ का कहना है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत इन्होंने दिया था, 2 तरह की संस्कृति की बात की थी, संस्कृति के 2 प्रकार बताए थे, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, ठीक है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, इसका प्रकाशक के जो संपादक हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है, वो कौन है, राधा कमल मुखर्जी, पैट्रिक गिडिस, जी एस घुरिए, ब्रजेंद्र नाथ श्री, बताइए। राइट क्या होगा यहाँ पर, जी एस घुरिए होगा, ठीक है, जी एस घुरिए होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है टोडा, कोटा और खस जनजातियों में किस प्रकार के विवाह का प्रचलन है। अब जनजातियाँ आई, ट्राइबल सोसाइटी, इससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कराया गया है, इसका प्लेलिस्ट में फोल्डर आपको मिल जाएगा। 2 क्लासेस ली गई थी, एक तो ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कंप्लीट कराया गया था, जिसमें कि उनका जो जनजातियाँ हैं उनसे संबंधित जो समाजशास्त्री हैं उनके विचार क्या रहे हैं, किसका अध्ययन, किसने किस पर अध्ययन किया है, विवाह का स्वरूप कौन सा पाया जाता है, उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो प्लानिंग्स हम कह लें जो योजनाएँ आई थी वो कौन सी है, युवा ग्रह कौन कौन से हैं, उनका जो आर्थिक व्यवस्था है उसका स्वरूप कैसा है, ये सभी बातें वहाँ पर बताई गई थी 1st क्लास में। और 2nd जो क्लास हुई थी वो इनसे रिलेटेड MCQs से थी, उसमें MCQs सॉल्व कराए थे, तो आपको ये दोनों ही क्लासेस देखनी है। यहाँ पर कौन सा विवाह का स्वरूप इनमें देखने को मिलेगा, बहुविवाह, ठीक है, बहुविवाह होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है अपनी संस्कृति का श्रेष्ठ मूल्यांकन की प्रवृत्ति कहलाती है सांस्कृतिक आघात, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, स्वाहित्य केंद्रवाद, सांस्कृतिक वंचना, बताइए। अपनी संस्कृति का श्रेष्ठ मूल्यांकन की जो प्रवृत्ति है वो इनमें से क्या कहलाती है, सांस्कृतिक आघात, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, स्वाहित्य केंद्रवाद, सांस्कृतिक वंचना, क्या होगा यहाँ पर सही? सही क्या होगा, स्वाहित्य केंद्रवाद होगा या जिसे हम नृजाति केंद्रवाद कहते हैं, समनर की अवधारणा है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपनी संस्कृति के मूल्यों मानदंडों के अनुसार दूसरी संस्कृति के उसकी दूसरी संस्कृति की जांच करता है, उसको परखता है, लेकिन वो जो मानदंड है जिनके आधार पर देखता है वो उस व्यक्ति के खुद के संस्कृति के मानदंड हैं, मूल्य हैं। तो ऐसे में वो क्या पाता है कि जो उस व्यक्ति की संस्कृति है वो श्रेष्ठ है, बेहतर है, और दूसरी की जो संस्कृति है वो क्या है, निम्न कोटि की है, ठीक है। तो यहाँ पर स्वहित केंद्रवाद या निर्जाति केंद्रवाद हो जाएगा, समनर की अवधारणा है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ये बुक किसकी है, ऑप्शंस हैं एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, वाई सिंह यानी कि योगेंद्र सिंह, जी एस घुरिए, इम्पॉर्टेंट बुक है ये, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन किसकी बुक है, एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, योगेंद्र सिंह, जी एस घुरिए, सही क्या होगा यहाँ पर,
किसकी हो जाएगी? योगेंद्र सिंह की हो जाएगी। योगेंद्र सिंह की बुक हो जाएगी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। योगेंद्र सिंह की कुछ और भी बुक्स हैं, जैसे कि एक है आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी, ठीक है, एक बुक होती है इनकी आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी। फिर नेक्स्ट बुक आती है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, ये एक बुक हो जाएगी। फिर इसके अलावा एक बुक आती है कल्चर चेंज इन इंडिया, कल्चर चेंज इन इंडिया। फिर एक बुक हो जाएगी इनकी सोशल चेंज इन इंडिया, ठीक है, सोशल चेंज इन इंडिया। ये सारी बुक्स आपको ध्यान में रखनी है, अभी जितनी बताई है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डेली डीडी आप लोगों को जितनी बुक्स बताई जाती हैं कम से कम उतना ही याद कर लीजिए, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी ये हो जाएगी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया ये सेकेंड है, थर्ड है कल्चर चेंज इन इंडिया, फोर्थ हो जाएगी सोशल चेंज इन इंडिया, ठीक है। तो ये योगेंद्र सिंह की है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं, ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। ऑप्शंस हैं मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, बोगार्डस, जिन्सबर्ग। संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं, ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। ऑप्शंस हैं मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, बोगार्डस, जिन्सबर्ग। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन अच्छा है। राइट हो जाएगा किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक क्या है जो कि अक्सर पूछी जाती है? ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी इनकी बुक है। चलिए नेक्स्ट है, जाति को किसने परिभाषित किया है कि जब संस्तरण में लंबवत गतिशीलता प्रतिबंधित हो जाती है तो वह वर्ग व्यवस्था ना होकर जाति व्यवस्था हो जाती है? इम्पॉर्टेंट है, जाति को किसने इस तरीके से परिभाषित किया कि जब संस्तरण में लंबवत गतिशीलता प्रतिबंधित हो जाती है तो वह वर्ग व्यवस्था ना होकर जाति व्यवस्था हो जाती है? घुरिये, हिलर, ब्लंट, हट्टन ऑप्शन है, बताइए। गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, इससे रिलेटेड भी अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले किसने बात की थी सामाजिक गतिशीलता की? सोरोकिन ने अपने बुक सोशल मोबिलिटी में, याद आया? तो यहाँ पर हट्टन हो जाएगा, ठीक है, हट्टन हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि नारी जनती नहीं बनाई जाती है, नारी जन्म नहीं लेती है बल्कि बनाई जाती है? ऑप्शंस हैं एच एल मूर, एडविन ऑर्डनर, सिमोन द बोआ, एस ऑर्टनर, बताइए। नेट के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, क्या होगा? सिमोन द बोआ होगा, ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि मस्तिष्क, स्व और समाज आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं? गॉरफिंकल, मीड, टॉलकट पार्सन्स, जॉर्ज रिट्जर। जो मस्तिष्क है, स्व है और समाज है, यह आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है, किसका कहना है? सही यहाँ पर क्या होगा? सही क्या होगा? जॉर्ज हर्बर्ट मीड होगा, ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी बुक है ना, सेल्फ डेवलपमेंट को ही इन्होंने सोशलाइजेशन कहा था, याद आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, शिक्षा, आई एंड मी का जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, वो भी इन्होंने ही दी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षा, संगठन और आंदोलन का मंत्र किसने दिया? शिक्षा, संगठन और आंदोलन का मंत्र किसने दिया? ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी। सही क्या होगा 18th का? 18th का यहाँ पर राइट क्या होगा? ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी। शिक्षा, संगठन और आंदोलन का मंत्र किसने दिया?
शिक्षा संगठन और आंदोलन। सही क्या होगा यहाँ पर? हाँ, बी आर अंबेडकर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, यह सुझाव किसने दिया था कि ग्रामों को अपनी आवश्यकताओं का निर्णय करने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान करनी चाहिए? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, या फिर सामुदायिक विकास परियोजनाएं? इनमें से किसका सुझाव था कि गांवों को अपनी आवश्यकताओं का निर्णय करने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान करनी चाहिए? सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने तीन स्तरों की बात की थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। कौन कौन से तीन स्तर थे? जिला परिषद थी, पंचायत समिति थी और फिर ग्राम पंचायत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसने कहा है कि नव प्रकारवाद कोई विकसित सिद्धांत नहीं है, यह तो केवल एक प्रकृति का झुकाव है? ऑप्शंस हैं एलेक्जेंडर, एस एफ नाडेर, विल्फ्रेटो पेरेटो, पीटर बर्जर। नव प्रकारवाद कोई विकसित सिद्धांत नहीं है, यह तो केवल एक प्रकृति का झुकाव है। किसका कहना है? एलेक्जेंडर, एस एफ नाडेर, विल्फ्रेटो पेरेटो, पीटर बर्जर। ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से नव प्रकारवाद की बात किसने की है बताइए? या कोई विकसित सिद्धांत नहीं है, बल्कि या तो केवल एक प्रकृति का झुकाव है। सही क्या होगा यहाँ पर? अलेक्जेंडर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये नव प्रकारवादी में आते हैं और इनकी एक बुक है थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, ये एक इनकी बुक है। नेक्स्ट देखते हैं, जेमिन शैफ्ट या जेसल शैफ्ट शब्दावली का प्रयोग किसने किया? मैक्स वेबर, सोरोकिन, टॉनिज, मैकेबर एंड पेज। ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा यहाँ पर? टॉनीज होगा। ठीक है, क्या होगा? टॉनीज होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? चलिए देखते हैं, बुक्स दी गई हैं, स्पेंसर, फर्स्ट प्रिंसिपल, पार्सन्स, द सोशल सिस्टम, ग्रीन, सोशोलॉजी, डेविस, द सोशल ऑर्डर। बताइए बताइए, सब बुक्स बताई गई हैं, सबके बारे में आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं, बताइए क्या गलत है यहाँ पर? कौन सी? द सोशल ऑर्डर। द सोशल ऑर्डर किसकी है? रॉबर्ट बियर स्टेट की है, याद आया? द सोशल ऑर्डर रॉबर्ट बियर स्टेट की है, 1970। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। चलिए आगे देखते हैं, मुख्य प्रस्तुति की अवधारणा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई? ऑप्शंस हैं आर के मर्टन, किंग्सले डेविस, ई टी हिलर, रॉल्फ लिंटन। देखिए, स्टेटस एंड रोल, स्टेटस एंड रोल, इस टॉपिक को अभी हाल ही में कंप्लीट कराया गया है। स्टेटस एंड रोल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सॉरी कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। प्लस इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं या जितने भी अभी तक एग्जाम्स हुए हैं उनमें जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं उनको कराया गया है। हालांकि इस टॉपिक को पहले भी कराया गया था, बहुत समय पहले क्लास ली गई थी, तब इसके साथ कल्चर को भी कराया गया था, स्टेटस रोल एंड कल्चर। ठीक है, इन तीन से रिलेटेड जो अवधारणाएं हैं महत्वपूर्ण, उनको कंप्लीट कराया गया था, उनके क्वेश्चंस कराए गए थे। दोनों के ही आपको फोल्डर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, आपको दोनों में फोल्डर्स में जितने भी वीडियोस हैं उन वीडियोस को देखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्टली आप नहीं पूछेगा कि ये अवधारणा किसकी है, ठीक है, प्रश्न घुमा के पूछता है, स्टेटमेंट कथन दे देगा, उस तरीके से पूछता है ना। डायरेक्टली आप देख रहे होंगे आने वाले अभी तक जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है कि ये बुक किसकी है,
कॉन्सेप्ट किसने दिया है ना। चलिए मुख्य प्रस्तुति की बात अगर हम करें तो ये जो अवधारणा है वो किसने दी हुई है, हिलर की है, हिलर ने दी है। अब मुख्य प्रस्तुति ये क्या कहते हैं, व्यक्ति की जितनी भी प्रस्तुतियाँ होती हैं, स्टेटस होते हैं, जितनी मतलब एक प्रस्तुति वो जो कि उसे जन्म से मिल रही है और एक प्रस्तुति वो जिसे वो अपनी योग्यता कुशलता से प्राप्त कर रहा है, तो इन दोनों ही प्रस्तुति की बात हो रही है, प्रस्तुतियों का योग। ठीक है, व्यक्ति की जितनी भी प्रस्तुति है उनमें से कोई एक प्रस्तुति जिसके द्वारा वह समाज में जाना जाता है, पहचाना जाता है, या समाज उस व्यक्ति की किसी एक प्रस्तुति को ज़्यादा महत्व देता है, उसको ही हिलर ने क्या कहा है, मुख्य प्रस्तुति कहा है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी का बेटा भी है, ठीक है, आप समझिए बेटा भी है, पति भी है, पिता भी है, ठीक है, और वहीं पर वह व्यक्ति क्या है, पुलिस ऑफिसर है, तो समाज में व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, उसकी ये सारी प्रस्तुतियां हैं, समाज उसे उसकी किस प्रस्तुति को महत्व देगा ज्यादा, जो उसने अर्जित की है ना। तो यहाँ पर इसे ऐसे समझिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समाज में पाई जाने वाली प्रस्तुतियों का वर्गीकरण प्रदत्त और अर्जित के आधार पर किस समाजशास्त्री ने किया है, फिचर, आर के मर्टन, बेरेस्टेड, रॉल्फ लिंटन। स्टेटस का जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, या दो तरह की प्रस्तुतियों की बात, प्रदत्त और अर्जित प्रस्तुति के किसने की थी, प्रदत्त और जो स्टेटस और रोल है, प्रस्तुति और भूमिका है, इनका जो संयुक्त रूप है, संयुक्त रूप से जो अध्ययन किया था सबसे पहले वो रॉल्फ लिंटन ने किया था अपनी बुक द स्टडी ऑफ मैन में, ये आप लोगों को बताया गया है ना। अलग अलग हालांकि कई लोगों ने किया है, लेकिन संयुक्त रूप से जो सबसे पहले किया है इन दोनों ही कॉन्सेप्ट का, वो रॉल्फ लिंटन ने किया है अपनी बुक द स्टडी ऑफ मैन में। इन्होंने दो तरह की प्रस्तुति की बात की थी, प्रदत्त और अर्जित। प्रदत्त प्रस्तुति वो जो कि व्यक्ति जन्म से प्राप्त कर रहा है, जेंडर एज हो जाएगा है ना, कास्ट हो जाएगा, जन्म से व्यक्ति को मिल जाती है। अर्जित जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है, तो यहाँ पर रॉल्फ लिंटन हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है मैचिंग का है, प्रस्तुति प्रतीक, प्रस्तुति संबंध, प्रदत्त प्रस्तुति, अर्जित प्रस्तुति। सही क्या होगा यहाँ पर, दुकानदार, ग्राहक, श्रृंगार के साधन, विवाह, जाति और प्रजाति। आप लोगों को स्टेटस एंड रोल वाला अच्छे से कराया गया है, दो बार क्लासेस हो चुकी है चूँकि इस टॉपिक पर, अब इसे समझ के बताइए यहाँ पर क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये तो इजी है, गलत किसी का भी नहीं होना चाहिए। सही क्या होगा यहाँ पर, सही क्या है यहाँ पर, ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी है। प्रस्तुति प्रतीक की अगर हम बात करें, प्रतीक क्या है, श्रृंगार के साधन, ठीक है, जैसे कि सिंदूर, चूड़ी, ये सभी हो जाएगा। प्रस्तुति संबंध, दुकानदार और जो ग्राहक के बीच में है। प्रदत्त प्रस्तुति, जाति और प्रजाति। अर्जित प्रस्तुति, विवाह हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है यांत्रिक सामाजिक व्यवस्था और सावेवी सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया, ऑप्शंस दिए गए हैं मॉर्गन, टॉलकट पार्सन्स, दुर्कीम, रॉबर्ट रेडफील्ड। मॉर्गन, टॉलकट पार्सन्स, दुर्कीम, रॉबर्ट रेडफील्ड ऑप्शंस हैं। यांत्रिक सामाजिक व्यवस्था और सावेवी सामाजिक व्यवस्था का जो उल्लेख है वो इनमें से किस समाजशास्त्री ने किया। अभी कुछ दिनों के बाद इधर जो टोटल जो 10 क्लासेस होंगी, ठीक है, 10 क्लासेस मैराथन की होंगी, टोटल हो जाएंगे 500 क्वेश्चंस यहाँ पर, और इससे पहले जो अभी कुछ दिन पहले जो 500 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए गए हैं, वो इन सभी से रिलेटेड आपकी मैराथन क्लास होगी, एंड जो कि काफ़ी लंबी चलने वाली है, मे बी 6 से 7 घंटे तक हो सकता है चले, लेकिन हाँ उसकी टाइमिंग चेंज कर दी जाएगी अगर 8 बजे से, चूँकि आप लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम भी होने लगती है और फिर देर भी हो जाएगी है ना, रात में वो 12-1 तक चली जाए लंबी,
तो उस हिसाब से देखा जाएगा, टाइमिंग चेंज कर दी जाएगी, वो आप लोगों को काफ़ी दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही बता दी जाएगी कि इस दिन क्लासेस होगी इस समय पर। एंड उसे भी मिस मत करिएगा, है ना, उसे सीरियसली होकर देखिएगा। यहाँ पर क्या होगा, दुर्घिम होगा, दुर्घिम होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। यांत्रिक और शारीरिक एकता की बात इन्होंने की थी दुर्खिम ने। नेक्स्ट है, चेतनात्मक, आदर्शात्मक तथा भावनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किस समाजशास्त्री से संबंधित है? ऑप्शन है मेलिनोवस्की, सोरोकिन, अगस्त कॉम्ट, दुर्खिम। चेतनात्मक, आदर्शात्मक तथा भावनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का जो वर्गीकरण किया है वह इनमें से किस समाजशास्त्री ने किया है? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत सोरोकिन ने दिया था। सामाजिक परिवर्तन का याद आ रहा है आप लोगों को, सोशल चेंज, इससे रिलेटेड जो टॉपिक था, 2 क्लासेस ली गई हैं इस टॉपिक से, सॉरी 2 फोल्डर आपको मिलेंगे। एक तो फोल्डर है जिसमें थियरी से रिलेटेड है ना, इसमें ये भी कराया गया था, सोरोकिन की जो थी, संस्कृतियों की बात हो रही है, ये कराया गया था। इनके सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को सीमाओं का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत, इन सभी नामों से जाना जाता है। और जो क्लासेस थी सोशल चेंज की थियरी से रिलेटेड, जिसमें कि पेरेटो की अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का हो जाएगा, टॉयनबी का हो जाएगा, स्पैंगलर का हो जाएगा, ये सारे सिद्धांत कराए गए हैं, थियरीज कराई गई हैं। फिर सेकेंड जो क्लास हुई थी वो हुई थी इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ की, ठीक है। अभी जितने भी आपको सोशल चेंज थे थ्योरीज से रिलेटेड बताए गए हैं, सबकी थ्योरीज के अलग अलग क्लासेस ली गई थी। एक फोल्डर में केवल थ्योरीज से रिलेटेड मिलेगा, एक फोल्डर बना है जिसमें सोशल चेंज से रिलेटेड एमसीक्यूज कराए गए हैं, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सोरोकिन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब सोरोकिन की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं, जैसे कि पहली है क्राइम एंड पनिशमेंट, पहली क्या हो जाएगी, क्राइम एंड पनिशमेंट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट बुक आती है एलिमेंट्स ऑफ सोशोलॉजी, एलिमेंट्स ऑफ सोशोलॉजी ये है। फिर एक बुक आती है सिस्टम ऑफ सोशोलॉजी, ठीक है, सिस्टम ऑफ सोशोलॉजी। फिर नेक्स्ट बुक है सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी अभी बताई आपको, सामाजिक गतिशीलता की सबसे पहले इन्होंने बात की थी, है ना, सोशल मोबिलिटी की, तो ये इनकी बुक है। फिर एक बुक आती है सोशल कल्चरल डायनेमिक्स, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, जिसमें कि उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। फिर एक बुक आती है सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी, सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी। फिर नेक्स्ट है बुक द सोशोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन, द सोशोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। तो ये बुक्स याद रखिएगा सोरोकिन की है। नेक्स्ट है लिंग, आयु एवं जाति सभी उदाहरण हैं, ऑप्शन है अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति, जैविक परिस्थिति। लिंग, आयु एवं जाति सभी उदाहरण हैं अर्जित परिस्थिति के, प्रदत्त परिस्थिति के, सांस्कृतिक परिस्थिति के, या फिर जैविक परिस्थिति के। सही क्या होगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पर प्रस्थिति संस्थागत भूमिका है, ये किसका कहना था, प्रस्थिति संस्थागत भूमिका है ये जो कथन है वो किस समाजशास्त्री का कहना था? रॉबर्ट बी रिस्टेड, आर के मर्टन, लुंडबर्ग, किंग्सले डेविस, ऑप्शंस हैं। प्रस्थिति संस्थागत भूमिका है ये किसका कहना है? रॉबर्ट बी रिस्टेड, द सोशल ऑर्डर इनकी बुक है, रॉबर्ट बी एरस्टेड का कहना है। चलिए आगे देखते हैं, लिंग, आयु एवं जाति ये किसके उदाहरण है? अर्जित परिस्थिति के हैं, प्रदत्त परिस्थिति के, सांस्कृतिक परिस्थिति के, या फिर जैविक परिस्थिति के, बताइए। लिंग आयु एवं जाति, ये भी अगर आप ध्यान से सुन रहे थे तो आप बता लेंगे, अगर आपने नहीं देखी है क्लासेस, नए हैं चैनल पर, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रदत्त परिस्थिति, ये सभी व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो प्रदत्त परिस्थिति हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के अंतर को दर्शाते हुए किस विद्वान ने लिखा है कि प्रतिस्पर्धा निरंतर और अवैतिक है, संघर्ष अनिरंतर तथा वैतिक है, बताइए।
प्रतिस्पर्धा निरंतर और अवैतिक है, जबकि संघर्ष अनिरंतर तथा वैतिक है। ऑप्शन है लेविस कोजर, अगस्त कॉम्ट, डेरेंड्रॉफ एंड लास्ट है पार्क एंड बर्गेस। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? पार्क एंड बर्गेस होगा, ठीक है, पार्क एंड बर्गेस होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। अभी बुक किसकी है? जी डब्ल्यू एफ हीगल की, एल्फ्रेड शुट्स की, एल्फ्रेड रॉजर्स या फिर एच फर्गुसन की? ये तो कई बार आपने नेट के एग्जाम में भी देखी होगी, पेपर में पीवाईक्यू अगर आपने देखे हैं तो, या आपने कोई एग्जाम दिया है नेट का, ये काफ़ी बार पूछी गई है। किसकी है ये बुक? एल्फ्रेड शुट्स की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। अगर हम प्रघटना की बात करें, फिनोमेनोलॉजी की अगर हम बात करें, तो इस शब्द का यूज़ सबसे पहले किसने किया था? प्रघटना शास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? हीगल ने किया था। किस बुक में किया था? फिनोमेनोलॉजी ऑफ द माइंड में, ठीक है, इस बुक में इन्होंने, हीगल ने प्रघटना शास्त्र शब्द का यूज़ किया था। और दर्शन शास्त्र में अगर हम बात करते हैं, दर्शन शास्त्र में सबसे पहले बात किसने की है? हर्सल ने की है। और समाज शास्त्र में किसने की है? शुट्स ने की है अपने इस बुक में, ठीक। तो ये याद रखिएगा, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। सबसे पहले पूछा जाता है तो हीगल हो जाएंगे, दर्शन शास्त्र में पूछा जाता है हर्सल हो जाएंगे, समाज शास्त्र में पूछा जाएगा तो शुट्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस। ये शब्द क्रमशः संबंधित हैं। भाषाएं पूछी जा रही है, किस भाषा से? लैटिन और ग्रीक भाषा, ग्रीक और लैटिन भाषा, ग्रीक और अंग्रेजी भाषा या फिर ग्रीक और हिब्रू भाषा से? सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? लैटिन, लैटिन और ग्रीक भाषा से। सोशियस लैटिन भाषा और जो लोगस है वो ग्रीक भाषा से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है समाज, जिसका अर्थ होता है समाज का विज्ञान, ठीक है, समाज का विज्ञान। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण पूछा जा रहा है कौन सा है? सोशल कंट्रोल, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन सा है? जनरीतियाँ, परंपराएं, राज्य, सामाजिक भय। औपचारिक पूछा जा रहा है, अनौपचारिक नहीं पूछा जा रहा है। सोशल कंट्रोल का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया किसने था? ई.ए. रॉस ने किया था अपनी बुक सोशल कंट्रोल में। सामाजिक नियंत्रण ऐसी शक्तियां हैं जिसके द्वारा कोई समाज या समूह अपने सदस्यों को अपने अनुरूप बनाता है, समाज के अनुरूप बनाता है। यहाँ पर राज्य होगा, औपचारिक अभिकरण पूछा जा रहा है, यहाँ पर राज्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है डब्ल्यू जी सम्नर, ए जी केलर, वेस्टर्न मार्क, आर एम मैकेवर एंड सी एच पेज। बताइए, मैकेवर एंड पेज, बताइए। सम्नर, केलर, वेस्टर्न मार्क, मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन है। विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है, यह किसका कहना है?
सही क्या होगा यहाँ पर? विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है, किसका कहना है? राइट हो जाएगा मैकेवरन पेज। मैकेवरन पेज ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ऐसा कथन किसने दिया? ये तर्क किसका है? लूथर, बेरस्टेड, प्रभु, कूले। ऑप्शंस हैं, बताइए। विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ऐसा कथन किसका है? विवाह, मैरिज, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, बताइए। सही क्या होगा? सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिए गए हैं, वहीं पर दिख जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को देखकर आप अपनी यहाँ से स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। लूथर होगा, ठीक है, लूथर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं में निम्न में केवल एक को छोड़कर वह कौन है? मतलब कि एक बतानी है वो कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से समझिए, तीनों प्रकार की जो सत्ताएं दी गई हैं वेबर के अनुसार, इनमें से कौन सी एक वो है जिसकी बात उन्होंने नहीं की है? तार्किक, वैधानिक, करिश्माई, धार्मिक, परंपरागत। राइट होगा यहाँ पर धार्मिक, ठीक है। राइट क्या होगा? धार्मिक होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, बाकी तीनों की बात वेबर ने की है। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजी दो शब्दों सोशियस और लोगस के मेल से बना है, लोगस किस भाषा का है? लैटिन, जर्मनी, यूनानी, फ्रांसीसी। सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ? राइट क्या होगा 37 का? यूनानी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की भाषा में एक गांव क्या है? समाज है, संगठन है, समिति है, या फिर समुदाय? सही क्या है यहाँ पर? समाजशास्त्र की भाषा में एक गांव क्या है, इनमें से क्या कहलाएगा गांव? कम्युनिटी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाजीकरण का तात्पर्य है शैशवावस्था से युवावस्था तक की वृद्धि की प्रक्रिया, परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। सोशलाइजेशन क्या है? इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था, बताइए। समाजीकरण क्या है, कैसी प्रक्रिया है? एक सीखने की प्रक्रिया है, जीवन प्रयत्न चलती है, महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक है, गतिशीलता पाई जाती है, निरंतरता होती है। इस प्रक्रिया में सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया है, समाज के जो मानक मूल्य आदर्श होते हैं इनको अपने में आत्मसात करने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, नवप्रकारवाद के समर्थक कौन है? अलेक्जेंडर, टॉलकट पार्सन्स, आर के मर्टन, एम जे लेवी। नव प्रकारवाद न्यू फंक्शनलिज्म के समर्थक पूछा जा रहा है, इनमें से कौन है? सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, आण्विक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की? ऑप्शन है, जिमरमैन, चार्ल्स कूले, पी एस प्रभु, रॉबर्ट बेयरस्टेड। फैमिली टॉपिक जब कंप्लीट कराया जा रहा था तो काफ़ी अच्छे से इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था, किसने किन परिवारों की बात की है, परिवार से संबंधित अवधारणाएं कौन सी हैं, परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत किसने कौन से दिए हैं, किन समाजशास्त्रियों ने अध्ययन किया है, परिवार के जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से बताए हैं, है ना, ये सभी काफ़ी अच्छे से बताया गया था। यहाँ पर आण्विक परिवार और गृहस्थ परिवार की जो अवधारणा है या परिवार के इन प्रकार की बात किसने की है, टाइप्स, फैमिली के इन टाइप्स की बात किसने की है इनमें से? सही क्या होगा? 41 का राइट क्या होगा यहाँ पर, बताइए। गलत नहीं होना चाहिए, कई बार इस तरीके का प्रश्न कराया गया है। जिमरमैन होगा, जिमरमैन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। इन्होंने जो परिवार के जो प्रकार बताए थे वो तीन तरह के बताए थे, ठीक है,
पहला क्या बताया था उन्होंने, न्यासधारी परिवार, ठीक है, न्यासधारी परिवार, ट्रस्टीशिप फैमिली जिसे बोला जाता है, ये बताया था, न्यासधारी परिवार, फिर दूसरा गृहस्थ परिवार, फिर आण्विक परिवार की इन्होंने बात कही थी। चलिए आगे देखते हैं, टाइलर की दृष्टि में निम्नांकित में से कौन सा धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था? प्रकृतिवाद, जीवित सत्तावाद, एक सत्तावाद, एकेश्वरवाद। सही क्या है यहाँ पर? टाइलर की दृष्टि में निम्नांकित में से कौन सा धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था? इनमें से प्रकृतिवाद, जीवित सत्तावाद, एक सत्तावाद या फिर एकेश्वरवाद। सही क्या होगा यहाँ पर? जीवित सत्तावाद, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। आगे देखते हैं, निम्न में से किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया? वेस्टरमार्क, लोवी, मर्डॉक, बर्जेस। 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किसने किया है? वेस्टरमार्क, लोवी, मर्डॉक, बर्जेस दिए गए हैं। सही क्या होगा? जीपी मर्डॉक होगा। देखिए जीपी मर्डॉक, इन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया था और परिवार नाम की जो संस्था थी उसे सार्वभौमिक बताया था, है ना, परिवार सार्वभौमिक संस्था है, जीपी मर्डॉक का कहना था। और परिवार के इन्होंने चार प्रकार भी बताए थे, ठीक है, एक तो सेक्सुअल था, दूसरा रिप्रोडक्शन था, इकोनॉमिक था, और फिर क्या था, एजुकेशनल था, शैक्षिक था, है ना, ये चार प्रकार बताए थे परिवार के इन्होंने, जीपी मर्डॉक ने। चलिए आगे देखते हैं, वेबलिन ने सामाजिक परिवर्तन के निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उनके सिद्धांत को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं आर्थिक निर्णायकवादी, प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी, सांस्कृतिक निर्णायकवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। सामाजिक परिवर्तन का जो निर्णायकवादी सिद्धांत दिया था वेबलिन ने, उसे किस सिद्धांत के नाम से, उनके जो सिद्धांत है उसको किस नाम से जाना जाता है? आर्थिक निर्धारणवादी कौन कहलाता है? कार्ल मार्क्स। सांस्कृतिक निर्धारणवादी कौन कहलाता है बताइएगा? यहाँ पर प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी होगा या निर्णायकवादी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, पशुओं में समास तो होता है पर डैश नहीं, इनमें से क्या नहीं होता पशुओं में? संस्कृति, संगठन, समिति, संस्था। संस्कृति, संगठन, समिति, संस्था, तो यहाँ पर संस्कृति होगा, संस्कृति ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है उसके व्यवसाय द्वारा, उसके जन्म द्वारा, उसकी जाति द्वारा, उसकी सामाजिक प्रस्थिति के द्वारा। सही क्या है? व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण इनमें से किसके द्वारा होगा या किसके द्वारा होता है? उसकी जो सामाजिक प्रस्थिति है, उसका जो स्टेटस है, उसके द्वारा होता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में परिभाषित किया है या वर्णित किया है? ऑप्शन है आर के मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, डीएन मजूमदार, एआर देसाई। सही क्या होगा यहाँ पर? जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा था? जाति एक बंद वर्ग है, ऐसा किसने कहा था? डीएन मजूमदार, होजन जाति पर इनका अध्ययन रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, वास्तविक तथा सामान्य संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया? संरचना के जो ये दो तरह की जो संरचनाएं हैं, एक तो वास्तविक संरचना और दूसरा सामान्य संरचना, इसके बीच अंतर किसने बताया था? नाडेल, दुर्खीम, मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन है बताइए। नाडेल, दुर्खीम, मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन है बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा यहाँ पर? रेडक्लिफ ब्राउन होगा, ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें रेडक्लिफ ब्राउन की, तो इन्होंने क्या बताया था, सामाजिक संरचना कैसी है। इसमें सामाजिक संरचना में गतिशीलता पाई जाती है, व्यक्तियों के क्रमबद्धता बताते हैं सामाजिक संरचना को। क्यों ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं उनके बीच में जो संबंध पाए जाते हैं, वे जो संबंध है वो ही संरचना का भाग है। इस वजह से ये व्यक्तियों की क्रमबद्धता बताते हैं सामाजिक संरचना को। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का आनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, जे लेवी, रेमंड फर्थ, इवांस प्रचार्ट। नेट के एग्जाम में काफी बार पूछा गया है सामाजिक संरचना का आनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा किसका कहना है। लेवी स्ट्रॉस का ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक अपराधी वह है जो पहली बार अपराध करता है, अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है, अपराध करने का आदी होता है, या फिर सफेदपोश अपराध करता है। आकस्मिक अपराधी हम किसे कहेंगे, अवसर मिलने पर जो कभी कभी अपराध करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।